बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों से वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। इसी दौरान अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने कटे हुए आलू लिए हैं, मटर लिए हैं, गाजर ली है, गोभी ली है, प्याज लिया है, अदरक लहसुन लिया है और सब्ज़ मिर्च कूटी हुई ली है। तो यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने घी लिया है और इसमें मैं कुछ खड़े मसाले ऐड करूँगी। 2 अदद मैंने बड़ी इलायची ऐड की है, 2 बादियान के फूल डाले हैं और 2 तेज़पात डाले हैं। तो अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो इनको फ्राई आपने लो फ्लेम पर करना है, तो इससे आपके चावलों में खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। तो अब यहाँ पर मैं इसमें कटा हुआ 1 अदद प्याज डाल दूँगी। तो अब हम प्याज को फ्राई करेंगे और प्याज को हमने तब तक फ्राई करना है जब तक इसका ब्राउन कलर ना आ जाए। तो आपने वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखना है। ये वेजिटेबल पुलाव बहुत ही मज़े का बनने वाला है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो यहाँ पे प्याज गोल्डन होना शुरू हो गया है। तो जो हमें प्याज का कलर चाहिए था वो प्याज का कलर आ चुका है। तो अब यहाँ पर मैं इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। तो अब हम अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से फ्राई करेंगे। तो इसको फ्राई हमने 1 से 2 मिनट तक करना है। तो अब यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि हमारा प्याज जल ना जाए। तो अब यहाँ पर मैं इसमें 4 से 5 अदद चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च डाल दूँगी। तो अब हम इसको चम्मच के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून मैं इसमें नमक ऐड करूंगी, तो नमक आप इसमें बाद में भी डाल सकते हैं। तो अब मैं इसमें 1 टीस्पून पीसी हुई सुरख मिर्च ऐड करूंगी। तो अब यहाँ पर हम चम्मच के साथ इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/2 kg मटर लिए थे जिनको मैंने निकाल लिया था, वो मैंने डाल दिए हैं। 1/2 kg मैंने इसमें आलू डाले हैं और एक बड़े साइज़ की कटी हुई मैंने गाजर डाल दी है। तो गाजर को मैंने लंबाई में काटा है। तो अब हम इसको चम्मच के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम इसको 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। तो इधर मैंने इसमें गोभी नहीं ऐड की क्योंकि गोभी जल्दी गल जाती है, तो इसलिए हम पहले आलू मटर और गाजर को फ्राई करेंगे। तो इधर मैंने इसमें 1/2 कप दही डाला है। आप यहाँ पर इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं और दही को स्किप कर सकते हैं। तो मैंने इसमें टमाटर नहीं ऐड किया, दही डाल दिया है। तो दही का पानी खुश्क हो गया है। तो अब मैंने इसमें गोभी डाल दी है। तो अब हम 1 से 2 मिनट तक इसमें गोभी को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमारी सभी वेजिटेबल्स अच्छे से फ्राई हो गई हैं। तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे। तो पानी मैं इसमें 3 गिलास डालूँगी क्योंकि 1.5 गिलास मैंने चावल लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 गिलास डाल दिए हैं, अब मैं इसमें 1 गिलास और डाल दूँगी। तो अब हम इसको चम्मच के साथ अच्छे से हिला के ऊपर से कवर कर देंगे। तो तब तक कवर करना है जब तक पानी बॉयल ना हो जाए। तो यहाँ पर हमारा पानी अच्छे से बॉयल हो गया है। तो अब मैं इसमें चावल डाल दूँगी। तो चावलों को मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के रखा था। तो चावलों को पकाने से पहले आधा घंटा ज़रूर भिगोया करें, इस तरह आपके चावल बहुत ही अच्छे बनेंगे और खिले खिले से बनेंगे। तो यहाँ पर हम चम्मच के साथ इसको अच्छे से हिलाएंगे। तो आपने इसमें चम्मच ज़्यादा नहीं लगाना,
क्योंकि आपके चावल टूट सकते हैं। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून मैं इसमें पीसा हुआ जीरा ऐड करूंगी। 1 टेबल स्पून तो यहाँ पर हम फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और अब हम चावलों को 10 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर देंगे। तो ये देखिए हमारा तकरीबन पानी खुश्क हो गया है। तो अब यहाँ पे हम इसका नमक चेक कर लेते हैं। अगर नमक कम हो तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो हमारा नमक बिल्कुल ठीक है। तो अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून पीसी हुई काली मिर्च डाल दूंगी। तो अब हम मिर्च को चम्मच के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम चावलों को दम लगा देंगे। तो 5 मिनट के लिए हमने दम लगाना है। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं, हमारे चावल भी अच्छे से गल चुके हैं। तो अब हम इसको चम्मच के साथ इस तरह से हिलाएंगे। तो ये हमारा वेजिटेबल पुलाव बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है। तो ये देखिए हमारे चावल अच्छे से गल चुके हैं। तो अब हम इस प्लेट में निकाल के आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह हमारे चावल बहुत ही मज़े के और खिले खिले से तैयार हुए हैं। तो अब हम इसको रायते के साथ सर्व करेंगे। आप भी इस